पास सांसद आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटी अब्दुल्ला को बुधवार को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद गुरुवार तड़के 5 बजे तीनों को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रामपुर प्रशासन ने आजम की गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी। आजम, उनकी पत्नी व उनके बेटे के खिलाफ बीते मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश 6 धरिंद्र कुमार की अदालत ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया था। यह वारंट पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किए गए थे। अदालत में पेश न होने के कारण तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बुधवार को तीनों ने अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में समर्पण किया था, जहां उन्हें 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आजम व उनके बेटे अब्दुल्ला रामपुर जेल में बैरक नंबर 1 में रखा गया था। वहीं रामपुर सदर से विधायक तजीम फातिमा को महिला बैरक में रखा गया। इससे पहले रामपुर के एसपी संतोष कुमार ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने की आशंका जताई थी। इसके मद्देनजर उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आजम के खिलाफ 10 दूसरे केसों में भी पुलिस रिमांड लगाने की तैयारी में है। वहीं ईडी में दर्ज केस में भी शिकंजा जल्द कसने की जानकारी है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ अब तक 83 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें भैंस चोरी, किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, 2700 खैर के पेड़ों की चोरी के मुकदमे भी शामिल है। आजम की गिरफ्तारी पर योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भी रामपुर में पूरी बिजली जा रही है, बहुत अच्छी तरह से चमक भी रही है। जब बिजली चमकती है तो वायरस पैदा नहीं होते, साथ ही सफाई अभियान भी चल रहा है। गंदगी किसी रूप में हो उसकी सफाई की जाएगी। रामपुर की जनता को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर के जिलों के लोगों को बहुत सताया है, उन पर बहुत जुल्म किया, तो सब खुश है इस चीज से। आप क्या मानते हैं? मैं वही मानता हूँ जो अदालत ने सुनाया, और मैं समझता हूँ कि ये दिन, इस दिन का सबको इंतज़ार था कि वो जेल जाएगा, वो, उनकी उसकी बीवी, उसका बेटा, सब 420, सब 420 का जब काम करेंगे तो जेल तो जाएंगे। और ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा मामला चलने वाला है, क्योंकि कई मुकदमे, जैसे आप लोग जानते हैं, इसमें कई मुकदमे हैं, सबकी अब हियरिंग शुरू होगी, सारे इंटर रिलेटेड हैं। कई याचिकाएं तो मैंने दाखिल करी हैं, रामपुर में भी करी है, इलाहाबाद में भी करी है, कई जगह की हैं, तो सब पे सुनवाई होगी, सब इंटर रिलेटेड है। एक पे जमानत मिलेगी, दूसरे में अंदर, दूसरे में मिलेगी तीसरे में, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। उनका जेल अभी कोई मुकदमा? मेरा मुकदमा, मैंने मुकदमा किया है जो फर्जी पैन कार्ड पर मैंने किया है, रामपुर में है, और हमारे वकील हैं, वो उसको देख रहे हैं। उसमें अभी सुनवाई हो रही है? अभी उसमें भी हो रही है। तो ये तो सब पे है, और मैंने नहीं, कई लोगों ने करे, मेरे अलावा और लोगों ने भी करे, तो और ख़ास तौर से तो मुझसे ज़्यादा खुशी आलियागंज, शौकत नगर और सिनन खेड़े के लोगों को है, जो रात दिन इसके जुल्म के शिकार रहे, रात दिन, कई सालों से, 10 सालों से इसके जुल्म के शिकार रहे। तो खुशी तो मुझसे ज़्यादा उन लोगों को है, खुशी उन लोगों को है जो यतीम खाने में, जिनके घर इसने तोड़े थे, उन लोगों को खुशी। इतना वहाँ बारिश हो रही थी, ठंड का आलम था, बारिश हो रही थी और सबके घर तोड़े जा रहे थे, खुशी तो मुझसे ज़्यादा उन लोगों को। सर, नवाबों की बनाई हुई ऐतिहासिक धरोहरों को भी उन्होंने तोड़ा था। जितने गेट थे वो तो सिर्फ वो छोड़िए कि नवाबों के बनाए हुए, वो तो अब इस मुल्क की मिल्कियत थी, वो तो इंडिया, हिंदुस्तान का की हेरिटेज थी जिसको इन्होंने तबाह किया। ये तो रजा लाइब्रेरी को भी तोड़ना चाह रहा था, किले को भी तोड़ना चाह रहा था, इसका बस चलता नहीं। तो सही वक्त पे दुनिया गोल होती है, हर इंसान का न्याय इसी ज़िंदगी में होता है, और जो ऊपर को जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। जो कहता था कि हम फैसले नीचे के करते हैं, ऊपर के खुदा करता है, क्या हुआ उसके गुरूर और घमंड को? आज मुँह लटकाए हुए अदालत में खड़ा था, हाथ बांधे हुए, मुंह लटकाए हुए, तीनों के तीनों। बीवी उनकी नीचे थी, क्योंकि उनके घुटनों में रॉड पड़े थे, तो उन्होंने बहाना लगाया कि मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकती। बाप बेटे तो ऊपर ही थे, मुंह लटकाए हुए, हाथ बांधे हुए, जज के सामने खड़े हुए थे। तो ये मंजर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन और आप सब लोगों ने तो देखा ही है, तो आपको उस चीज़ का एहसास हो गया होगा। जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे का था,
उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उस एक्सप्रेशन से ही सब कुछ ज़ाहिर हो गया कि कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और आगे को कितनी तकलीफ होने वाली है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।